नक्सलबाड़ी में उठ्यो फेरि अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड को मांग। आज भारतीय गोर्खा महासंघ ने छुट्टे राज्य गोर्खाल्याण्ड को मांग गर्दै नक्सलबाड़ी बीडीओ कार्यालय में बीडीओ को मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। गत 2014 साल में सिलगढ़ी में आएर गोर्खा को सपना मेरो सपना भन्दै मुख खोलेका थिए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले। 2024 अगाडी नै अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड को निर्माण को निम्ति सम्झना गराउन हेतुले आज बिहीबार भारतीय गोर्खा महासंघले नक्सलबाड़ी में बीडीओ कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझाए। मैं आकाश लामा, मैं भारतीय गोर्खा परिसंघ का मैं जोनल अध्यक्ष हूँ। भारतीय गोर्खा परिसंघ एक राष्ट्रीय गोर्खा संगठन है, एकमात्र संगठन है, सामाजिक संगठन। तो आज के दिन जो 10 तारीख के दिन एक तोपाया गया था कि आज देशव्यापी में जितने भी गोर्खा संघ संस्था है, विशेष करके सामाजिक संस्था, तो लोकल जो BDO हो या SDO हो या DM हो, जैसे दार्जिलिंग में DM को दे रहे हैं ये मेमोरेंडम, इसी प्रकार के सिलगढ़ी में SDO को, हम लोग बागडोगरा के तरफ से आए हैं, बागडोगरा के विभिन्न संगठन से आए हैं हम लोग, तो नक्सलबाड़ी से भी संगठन से आए हुए हैं। तो आज हम लोग BDO ऑफिस में नक्सलबाड़ी में एक मेमोरेंडम देने आए हैं। विशेष करके सब्जेक्ट है गोरखाओं का जो सपना है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था गोरखाओं का सपना मेरा सपना, जो बास भूमि की बात है, गोरखालैंड की बात है, इसको रिमाइंडर देने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री को पत्रचार कर रहे हैं आज के दिन पूरा देशव्यापी में। भारतीय गोरखा परिसंघ के 22 राज्य में शाखा प्रशाखा सब है, सभी शाखा के साथ, और जो लोकल संघ संस्था भी है, जो स्थानीय संघ संस्था गोरखा संघ संस्था हो या अगोरखा संघ संस्था, जो भी इस बात भूमि के लिए समर्थन करते हो, तो लोकल अथॉरिटी में हम लोग आके प्रधानमंत्री को ये पत्राचार कर रहे हैं। एक तो हम पत्राचार SDO या BDO लेवल से या DM लेवल से कर रहे हैं, एक तो हम डायरेक्ट स्पीड पोस्ट में भी प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, इसीलिए विभिन्न संघ संस्था से भी आए हुए हैं। और आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्या डिमांड है आप लोगों का? मैंने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से 2014 में उन्होंने बोला था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना, जो गोरखाओं का जो एक सपना, जो बासभूमि का सपना है, इसी मुद्दे को उनको ज्ञात कराते हुए ये पत्राचार हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं।